हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैंने यहाँ 1/2 kg दूध लिया है, 4 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 1/2 कप शुगर यानी 8 बड़ा चम्मच। तो इसमें हम थोड़ा सा ठंडा दूध निकाल ले रहे हैं कस्टर्ड का घोल रेडी करने के लिए। अब इसको हम रख देंगे गैस पे, बॉईल आने तक का वेट करेंगे। और इसमें हम अपना कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं। ठंडे दूध में हमारा कस्टर्ड बहुत अच्छे से घुल जाता है, गर्म दूध रहेगा तो लम्स पड़ जाएगा। अब इसे कर देते हैं हम एक साइड में। तो दूध में हमारे बॉईल आ गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। और चीनी को चला चला के हम मेल्ट करेंगे। चीनी घुल जाए तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना कम मीठा कितना ज्यादा मीठा करना है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चीनी हमारा मेल्ट हो गया है। अब बारी आ गई हमारे कस्टर्ड की। तो इस तरह से हम इसको चला चला के इसमें डाल देंगे लम्स को अवॉइड करने के लिए। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे यूं ही चलाते रहेंगे। तो देखो ये कितना थिक हो गया है और इसमें बॉइल्ड भी आ गया है। चलिए गैस का फ्लेम करते हैं बंद और इसको रखते हैं नीचे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना फ्रूट कट कर लेते हैं। तो अब ये हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम फ्रूट डाल देते हैं। फ्रूट आप अपने चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं केला, ब्लैक ग्रेप्स, पपाया। इसको थोड़ा हम मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाऊंगी। तो गाइस, मैंने इसकी सर्विंग कर दी है और गार्निशिंग की है मैंने चेरी और ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो है ना ये बहुत इजी। तो जाइए फटाफट बनाइए और इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और न्यू रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं ऐसे अमेजिंग रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय।